वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू लॉस्ट से शुरुआत करो अभी आपको भाई जा रहा नमाज पढ़ रहा नमाज पढ़ रहा देख रहा सब कब लगाते हो कि वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू लॉस्ट से शुरुआत करो अगर भाई सिर्फ शब्द लगाते हैं पर नमाज पढ़ते हैं क्या देगा पता नहीं कैसे क्या नहीं आपको बताते हैं बाकी जो सिर्फ शुरू करेंगे बाकी वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू लॉस्ट से शुरुआत करो और भी आगे वापस एडिटिंग करते हैं ब्लॉग किसी की और फिर देखते हैं कैसे है क्या नहीं शाम को कहीं जाना होता है कि बाकी आप आ रहे नमाज पढ़ते वेलकम बैक ब्रांड न्यू वो जी आपको भाई निकल के नमाज पढ़ने एक मिनट भाई जी ऊपर से उधर पैसे ले आए चीज़ें से मंगानी हो तो फिर बंदा एक बार जाते हैं नमाज पढ़ कर आते हैं फिर आगे देखते हैं किसी ने क्या नहीं आपको बताते हैं सारा सीन भी आपको रोटी लेते हैं रोटी लेकर आते हैं अगर खाते हैं बड़ी दाल में भूख लगी भी है रोटी खाते हैं फिर ऐसे कपड़े जाते हैं किसी ने क्या नहीं आपको बताते हैं फिर हम पहले खाने खा ले फिर ऐसे कपड़े जाते हैं चल रहा है पाकिस्तान और कनाडा का चैंपियनशिप में 6 आउट हो गया कनाडा के बाकी आखिरी सांस तक और आखिरी दम तक पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे नेवर माइंड कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में है या नहीं है जो भी है अभी तक हम कंफर्म नहीं कर सकते पाकिस्तान वर्ल्ड कप से निकल गया क्योंकि अल्लाह ताला के काम अल्लाह ताला ही जानते हैं अल्लाह ताला के मोर्चे अल्लाह ताला ही जानते हैं अल्लाह ताला जो चाहता है बेहतर होता है अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लेयर बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी भी इंसान की मेहनत ज़ाया नहीं करता अगर उन्होंने मेहनत की है वर्ल्ड कप के लिए तो ये खेलेंगे नहीं की तो फिर अल्लाह ताला की मर्जी बाकी हार जीत गेम का हिस्सा है और काफ़ी अच्छी बॉलिंग की अभी नसीम शाह ने बहुत अच्छा बॉल किया जॉनसन को अच्छा खेल रहा था वो और आज काफ़ी लोग आए हुए हैं सपोर्ट करने लोग फिर भी आते हैं यार और हमें कोई शर्म नहीं आती कि हम पाकिस्तान को दोबारा सपोर्ट करें क्योंकि वी लव पाकिस्तान टीम एंड वी विल ऑलवेज बिहाइंड द कप्ताना बाबर आजम स्टैंड कैंड द कप्ताना लव यू बाबर आजम बाकी ये वीडियो अगर मेरे बाबर भाई तक देख लें तो फिर तो मैं पागल हो जाऊँगा खुशी से बाकी जो सिनेमा की थोड़ी देर बताते हैं अभी लेट कर भी लोग एडिट करूँगा जो कल और परसों का भी लोग है इंडिया के दिन वाला संडे का बाकी कल मंडे का और आज ट्यूजडे वाला भी लोग एडिट होगा बाकी वो ट्यूजडे वाला थोड़ी देर तक हो जाएगा लेकिन इंडिया वाला और कल वाला भी लोग एडिट करूँगा वो अपलोड पर लगाएंगे बाकी देखते हैं क्या सीन करिए आज का भी लोग मेरा ख्याल है आज का दिन आज मंगल है तो आज हफ्ते का भी लोग आएगा इंडिया के मैच से एक दिन पहले का बाकी थोड़ी देर आपसे कप लगाते हैं मैच अभी दूसरी इनिंग पड़ी है और फिर सारी तरफ से आज थोड़ा दिल कर लंबी तरफ कोशिश करूँगा कि क्लिप लंबे बना लूँ बाकी जो इस्लाम को थोड़ी देर को बताते हैं आप तक तक वेट करो अब कोशिश करूँगा कि इस हाथ से बनाऊँ भी लोग खब्बे से बाकी देखते हैं जो सीन बताते हैं बाकी भी पाकिस्तान आज पिच बहुत गंदी हुई है यार पिछे बहुत गंदी पता नहीं क्या पिचे हैं अब 107 का विन है लेकिन पिच इतनी गंदी बिहेव कर इतनी गंदी बिहेव कर रही है कि बिल्कुल बॉल मर के पहुंचता है बैट्समैन तक और बाकी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह पाकिस्तान आज जीतेगा और कल इंडिया जीतेगा USA से इंशाल्लाह और बस हमें ये भी तो जीतेगा बाकी हमें दुआ है कि जुम्मे वाला दिन बारिश ना हो मैच देखने को मिले आयरलैंड और USA का पीछा आयरलैंड आ जाए USA जीत जाए चला जाए आगे लेकिन हमें मैच देखने को मिले ज़रूर उस दिन बारिश ना हो बस अल्लाह से यही दुआ है अल्लाह ताला किसी भी तरीके से बारिश को रोक दें उस दिन बाकी जब सुने थोड़ी देर आपसे कप लगाते हैं और आपको बताते हैं किसी ने क्या नहीं मैच चल रहा है अभी और देखते हैं क्या फिल्म सारे आपको बताते हैं बाबा जी आज का लोग करते हैं एंड वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो कमेंट करो और माशाल्लाह आज का मैच पाकिस्तान जीत गया है लेकिन पहले दोनों मैच भी हमें जीते हुए थे एक USA से 15 रन लास्ट ओवर में था लेकिन शाहिन शाह अफरीदी की मिस फील्ड पर से मैच आ रहे दूसरा मैच बैटिंग में हम लैप्स कर गए हमारे मसला बन गया हम हार गए आज हम कनाडा से जीते हैं बाकी इंशाल्लाह कल हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे बैठ के USA को कल हमने हराना है मैं भी मार्जिन से और फिर दुआ करेंगे कि या अल्लाह ताला तेरे हाथ में सब कुछ है तू सब कुछ कर सकता है तू सब कुछ करने में कादिर है हम तेरे आगे इल्तजा करते हैं हम तेरे आगे दुआ करते हैं कि जुम्मे वाले दिन बारिश ना हो जुम्मे वाले दिन आयरलैंड और USA का मैच हो और इंशाल्लाह आयरलैंड वो मैच जीतेगा और फिर पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच होगा इतवार वाले दिन अगर वो पाकिस्तान जीतता है तो क्वालिफाई कर सकता है ये आपके सामने मैंने थोड़ी सी सिनेरियो बताया पाकिस्तान के क्वालिफिकेशन का आगे जाने का बाकी कोई सीन नहीं है बाकी अगर पाकिस्तान उस दिन बारिश होगी जुम्मे वाले दिन तो मैच ख़त्म हम बाहर आ जाएंगे बेशक जीत भी जाएँ तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए बाकी अल्लाह ताला करम फरमाएगा इंशाल्लाह वो दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा हम उसके बंदे हैं दुआ इल्तिजा कर रहे हैं काश जुम्मे वाले दिन बारिश ना हो बस या अल्लाह USA में बारिश मत होना USA वाले USA में जुम्मे वाले दिन बारिश ना हो किसी भी शहर में बारिश ना हो उस दिन तो मैच हो USA और आयरलैंड का
बाकी मिलते हैं कल के नेवी लोगों में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, भाई को सपोर्ट करते रहना, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।